हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर की डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए कितना प्यारा डिजाइन है ये। इस डिजाइन से लेडीज कार्डिगन, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, जेंट्स के स्वेटर पर, बच्चों के स्वेटर पर, शॉल पे, किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिजाइन है ये। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आज मैं इसी डिजाइन को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि कैसे बना हुआ है। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस डिजाइन को बताना। देखिए ये, देखिए ये पहला फंदा है, इसी तरह ले लिए। अब यहां से देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, छः फंदा सीधा। अब हम दो फंदा के साइड से यहां से इस सिलाई को डालेंगे और फंदा निकालेंगे इस तरह से। फिर इन दोनों फंदा के बीच से हम सिलाई को डालेंगे पीछे की तरफ इस तरह से। फिर देखिए इसी तरह फिर हम रिपीट करेंगे इसको। दोनों फंदा के साइड से सिलाई को डालें और फिर हम दोनों फंदा में से सिलाई को डाल के निकालेंगे। ये टोटल 10 फंदा का डिजाइन है। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10। 10 फंदा का डिजाइन है। अब ये एक डिजाइन यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब यहां से दूसरा डिजाइन हम रिपीट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, छः फंदा सीधा। अब फिर देखिए इन दोनों फंदा के साइड से हम सिलाई को निकाल लेंगे इस तरह से। फिर हम दोनों फंदा में से इस तरह निकालेंगे। फिर देखिए इस तरह। ये अब ये दो डिजाइन कंप्लीट हो गया। एक, दो, यहां पर, यहां से यहां तक ये 10 फंदा, यहां से यहां तक ये 10 फंदा। अब ये लास्ट का फंदा है तो इसको हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे की तरफ से देखिए, उल्टे की तरफ से पूरा रो हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इस तरह से इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फिर सीधे की तरफ से रो 3, ये 2 रो कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये सीधे की तरफ से, अब यहां पर हम 5 फंदा इस बार सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 फंदा सीधा हो गया। अब हम इन दो फंदा के साइड से सिलाई को डालेंगे और फिर इन दोनों के अंदर से निकालेंगे सिलाई को इस तरह से। फिर इन दो फंदा के साइड से हम सिलाई को डालेंगे और फिर इस तरह से। अब यहां पर ये एक फंदा बच गया तो इसको हम उल्टा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब फिर हम इसी तरह इसको रिपीट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 फंदा सीधा। अब फिर देखिए इन दो फंदे के साइड से सिलाई को डालेंगे यहां से और फिर इसके दोनों को लेकर इस तरह से निकालेंगे। फिर इन दोनों के साइड से हम सिलाई को डालेंगे दोनों फंदा के, फिर इन दोनों में से हम सिलाई को निकालेंगे। बहुत ही आसान और खूबसूरत डिजाइन है ये, बन के बहुत ही प्यारा लगता है। अब ये एक फंदा बच गया तो एक फंदा को हम उल्टा बुनेंगे।
इसको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लिए, उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब फिर देखिए इसको सीधे की तरफ से, अब इस पर हम चार फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो, ये देखिए एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा। अब फिर हम इस उसी तरह इसको रिपीट करेंगे, ये दोनों फंदा के साइड से हम सिलाई को निकालेंगे, फिर इन दोनों फंदा में से निकालेंगे, फिर इन दो फंदा के साइड से सिलाई को निकालेंगे, और फिर इन दो फंदा में से निकालेंगे इस तरह से। और फिर अब इस बार हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो, दो फंदा उल्टा धागा पीछे, फिर हम इसी तरह रिपीट करेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा। अब फिर देखिए फिर इन दोनों फंदा के साइड से हम सिलाई को डालेंगे, और फिर इन दोनों फंदा के बीच में से निकालेंगे, दोनों फंदा में से। फिर अब यहाँ पर हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो, ये लास्ट का है तो इसको सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब फिर सीधे की तरफ से देखिए, उल्टे की तरफ से कंप्लीट हो गया, अब सीधे की तरफ से, अब सीधे की तरफ से यहाँ पर अब हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब फिर उसी तरह हम बनाएंगे इसको, अब इस बार हम तीन फंदा यहाँ पर उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब फिर देखिए अब फिर हम तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा धागा पीछे। अब इसको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लिए। अब उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए उल्टे की तरफ से पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से, सीधे की तरफ से इस बार हम दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो, दो फंदा सीधा। अब फिर दो फंदा के साइड से हम निकालेंगे, और फिर दोनों फंदा में से निकालेंगे धागा को, फिर दो फंदा के साइड से निकालेंगे, फिर दोनों फंदा में से निकालेंगे, इस तरह से। और इस बार हम चार फंदा यहाँ उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा धागा पीछे, एक दो, दो फंदा सीधा। अब फिर देखिए इस तरह से, और फिर दोनों के साइड से हम सिलाई को डालेंगे, फिर इन दोनों फंदा के दोनों फंदा में से निकालेंगे इस तरह से। अब इस बार हम चार फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा धागा पीछे, ये लास्ट का है तो इसको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लिए। अब उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुनेंगे, उल्टे की साइड से पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से, सीधे की तरफ से इस बार हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, और इन दो फंदे के साइड से हम सिलाई को निकालेंगे इस तरह से, फिर दो फंदा के साइड से हम निकालेंगे इस तरह, और इस बार हम ये देखिए दोनों फंदा के साइड से सिलाई को इस तरह से निकालेंगे, फिर दोनों फंदा में से निकालेंगे
और इस बार पांच फंदा हम उल्टा बुनेंगे। एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा उल्टा। फिर इसी तरह रिपीट करेंगे इसको भी, एक फंदा सीधा और दोनों फंदा के साइड से सिलाई को निकाल लिए, फिर दोनों फंदा में से निकाल लिए, फिर इसको भी हम इसी तरह निकालेंगे। और फिर पांच फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा उल्टा धागा पीछे। ये लास्ट का है तो इसको सीधा बुन के कंप्लीट कर लिए। अब उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। उल्टे की तरफ से पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की तरफ से अब हम इस तरफ फिर बनाएंगे। फिर इसी तरह बनाएंगे इसको भी। और इस बार हम छह फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, छह फंदा उल्टा धागा पीछे। अब देखिए फिर, इस तरह से। अब फिर हम यहाँ पर छह फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, छह फंदा उल्टा। ये लास्ट का है तो इसको सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये पूरे डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब यहां से फिर हम दूसरा डिजाइन रिपीट करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। फिर उसी तरह दोहराएंगे इसको, एक दो तीन चार पांच छः, छः फंदा सीधा। अब फिर यहां से शुरू करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में स्टार्ट शुरू किए थे नीचे से, उसी तरह फिर हम शुरू करेंगे इसको। देखिए इस तरह बनेगा ये। अब यहां से फिर एक शुरू होगा ये डिजाइन, ये यहां तक कंप्लीट हो गया है। फिर अब यहां से निकालेंगे एक डिजाइन, छह फंदा सीधा बुनने के बाद। ये देखिए बन के ये इस तरह आएगा। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर कीजिए इसको, और कमेंट करके बताइए कि आप सभी को कैसा लगा ये डिजाइन। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। फिर मिलती हूँ मैं कुछ नए डिजाइन लेकर आप सभी के साथ।